हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा, लोकसभा के चुनाव में जो संकेत आए हैं उससे साफ है कि हरियाणा की 36 बिरादरी फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की। उन्होंने कहा कि लोग मौजूदा सरकार की कार्यकारी से थक चुके हैं और वह सरकार बदलना चाहते हैं। पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि 90 क्षेत्रों में भाजपा की वोट कम हुई है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अब लोगों का रुझान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की ओर है। तो संकल्प ले है हमने जो ऑलरेडी अनाउंस किए हैं वो भी घर घर तक पहुंचा है, क्योंकि ये सवाल जरूर पूछेंगे लोग, तुम्हें ठीक है इनने तो हरियाणा को पिछाड़ दिया, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर एक था, आज बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, आज दिवाला पिटने काबिल हो गया फाइनेंशियल पोजीशन में, प्रदेश पिछाड़ दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे? सवाल पूछेंगे जब जो हमारे साथ ही जाएंगे। तो संकल्प जो हम बता चुके मोटे मोटे 5-8 पहले आपको दे चुके हैं, वो संकल्प लेके जाएंगे, उनके विचार लेके जाएंगे और जो फिर वो देंगे फिर उनको मैनिफेस्टो में लेकर करेंगे जो कि वो मुनासिब होगा। ये कार्यक्रम है और सभी लेवल के साथी इन्वॉल्व होंगे इसमें और उसी के लिए 14 तारीख को सोनीपत में चाहे PCC के मेंबर हों, चाहे AICC के मेंबर हों, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हर लेवल के कार्यकर्ता को चाहे वो काउंसलर हैं, चाहे सरपंच हैं, चाहे प्रचार उसके सबके सभी को जो इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व करेंगे उनको बाकायदा ये चीज़ हम देंगे और वो घर घर जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत कामयाब होगा और लोकसभा के इलेक्शन में लोग जो संकेत आए जो नतीजे से वो साफ है कि हरियाणा की 36 बरादरी ये फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बना रही, इसमें कोई शक और गुंजाइश नहीं। चाहे वोट परसेंटेज लगा लो, चाहे जैसे बताया 90 के 90 हलकों में BJP की वोटें कम हुई है और कांग्रेस की बढ़ी है, 10 की 10 पार्लियामेंट उसमें, मेरे ख्याल में और किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ होगा जो हरियाणा में हुआ। वोट शेयर में भी आज सबसे ज़्यादा हमारे पीछे तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है, ये इस हिसाब से जो आया है तो ये एक संकेत साफ हरियाणा की जनता ने दिए हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे सारे सब पार्टी मिलके होके जो उनकी हमारे से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, उन पर हम खरा उतरें और जो